देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नेहा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सुषमा स्वराज की बेटी को जो अवार्ड सौंपा गया वो क्यों सौंपा गया, बताते हैं आपको अपने इस रिपोर्ट में। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को सोमवार को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में सुषमा स्वराज की बेटी बंसुरी स्वराज और अरुण जेटली की पत्नी संगीता जेटली को राष्ट्रपति ने अवार्ड सौंपा। अवार्ड लेकर बेटी मंसूरी मां के लिए भावुक होती हुई देखी गई। इसके अलावा पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। 119 पद्म पुरस्कार इस वर्ष राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाएंगे। सुषमा स्वराज ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सभी सरकारों में मंत्री के रूप में कार्य किया और विभिन्न विभागों को संभाला था। वह पिछली भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में विदेश मंत्री थी और 1998 में एक संक्षिप्त अवधि के लिए दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। पिछले साल 6 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट के बाद उनका एम्स में निधन हो गया था। हजारों लोगों ने दिवंगत मंत्री को अंतिम विदाई दी और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।